नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं कोरोना वायरस की खबर से। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 293 नए संक्रमित मिले हैं और 10 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इसी के साथ अब राजस्थान में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,694 हो गई है और कुल मौत की बात करें तो प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 292 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में आए 9,566 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है। राजस्थान अब पड़ोसी राज्य की मदद करने के लिए आगे आया है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि महामारी के इस विकट समय में आवश्यकता होने पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्य 5,000 टेस्ट राजस्थान में करवा सकेंगे। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान और किया है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। कोरोना खत्म होने के बाद ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए 25 करोड़ रुपए का अलग से फंड बनाया गया है। इसके अलावा इस जंग में शामिल हर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी का 50,00,000 रुपए तक बीमा भी करवाया गया है। प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा श्रमिकों के लिए यहाँ राहत वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा योजना में श्रमिक के नियोजन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि इन दिनों भीषण गर्मी व लू की स्थिति है। कलेक्टर सुनिश्चित करे कि श्रमिक सुविधा के अनुसार टास्क पूरा कर सुबह 11 बजे या इससे पहले ही जा सके। तो यहां बड़ी खबर सामने निकल कर यह आ रही है कि मनरेगा श्रमिक 11 बजे से पहले भी जा सकेंगे। प्रदेश की चौथी बड़ी खबर की बात करें तो ग्रीष्म अंतरराष्ट्रीय उड़ाने आज से एक बार फिर दोबारा शुरू हो जाएगी और इस वक्त की एक बड़ी खबर और सामने निकल कर आ रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चर्चा करेंगे। पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और सभी लोगों को इंतजार है मानसून की भारी बारिश का। मानसून ने गुजरात में दस्तक दे दी है। अब जल्द ही राजस्थान वासियों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग ने 25 जून के आसपास प्रदेश में मानसून के प्रवेश होने की संभावना जताई है और अब यह संभावना लग रही है कि मानसून 2 दिन पहले ही प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। तो ये थी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।